सर आज के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु एक बार आप ब्रीफ कर दीजिए। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हमने ये समझा कि तनाव क्या है, तनाव क्या हमेशा हानिकारक होता है, हमेशा तनाव हानिकारक नहीं होता है। अगर हम सकारात्मकता के साथ में तनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उनको अवसर में परिवर्तित कर दें तो ये तनाव हमारे विकास में सहायक होता है। इसके साथ साथ हम इस हानिकारक तनाव को लाभदायक तनाव में किस तरह से कन्वर्ट करें उसके लिए कुछ बिंदु जिन पर हमने फोकस किया, जैसे कि कुछ मित्र होने चाहिए जिससे आप अपने मन की बातें भूल सकें, अपने एटीट्यूड को हमें रिव्यू करना चाहिए। एक ही घटना को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं, अगर हम अपना नज़रिया बदलते हैं तो हमारा तनाव में हमें राहत मिल सकती है, क्योंकि ये 10% निर्भर करता है उस परिस्थिति पे और 90% निर्भर करता है उस परिस्थिति हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसके साथ साथ अपने को हम बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करें, कुछ हॉबी हों और अपने जो कार्य हैं हम उनको व्यवस्थित करें। इसके साथ साथ योग और प्राणायाम तनाव से मुक्ति में बहुत सहायक होते हैं। बेसिकली क्या है कि सरकार ने बहुत सारे व्यवस्थाएं की हैं मानसिक रोगियों के उपचार के लिए, लेकिन समाज को आगे आके इनके विषय में जानना पड़ेगा, इन समस्याओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि इनको देखने के लिए नज़रिया चाहिए। क्योंकि ये ऐसी समस्या नहीं है जैसे कि बुखार आया तो देखा और पता चल गया बुखार आ गया, या फिर किसी को चोट लगी तो खून निकल रहा है। इसमें आपको एक नज़रिया विकसित करना पड़ेगा जिससे आप समझ सकें कि सामने वाले व्यक्ति हताशा में उदासी में, इसकी मदद की आवश्यकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बाकी लोग आपसे कंसल्ट करना चाहें अपनी इलनेस को लेके या अपनी समस्याओं को लेके, तो आप वहाँ पर भी कहीं बैठते हैं? मैं अपने परिवार में आता हूँ हर लगभग दूसरे रविवार को। उस समय मेरे परिवार में मुझसे जो भी संपर्क करते हैं और मुझसे सलाह परामर्श आते हैं, उन सब लोगों को सहज परामर्श उपलब्ध होता है और इस बीमारियों में किस तरह से उपचार होना चाहिए और कैसे बाहर निकलना है इसकी उनको हर दूसरे रविवार को, जैसे मैं अपने परिवार में आता हूँ उसमें मुझसे मदद मिल सकती है, जैसी मुझसे हो सकेगी मेरी पूरी क्षमता के साथ में उपलब्ध रहता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।